आर्थिक राजधानी मुंबई के मनपा वार्ड क्रमांक 1 के पूर्व शिवसेना नगर सेवक और वरिष्ठ नेता अभिषेक घोसालकर को एक बड़ा पद सौगात के तौर पर मिला है। अभिषेक घोसालकर को मुंबई जिला उपनगरीय सहकारी आवास संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभिषेक घोसालकर मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में आवास की समस्याओं को हल करने के लिए कई सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ये वर्तमान में हाउसिंग सोसाइटी विभाग में मुंबई बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं संघ की कार्यकारिणी की बैठक में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रमेश प्रभु को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई और लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिनमें एडवोकेट समीर शिरके, कृष्णा बांबरकर, डॉक्टर सुरेंद्र मोरे, मनोहर काजरोलकर, एडवोकेट सुनील राणे, चंद्रकांत दुखंडे, शशिकांत मोरे, डॉक्टर मिहिर शाह समेत कई लोग शामिल हैं। इस मौके पर अभिषेक घोसालकर ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी संस्था से जुड़े प्रश्न काफी जटिल हुआ करते हैं, डिम्ड कन्वेंस का मामला हो या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का, संस्था से जुड़े कोई भी नियम हो, यह हाउसिंग फेडरेशन सभी समस्याओं के निराकरण में मदद करेगी। तो वहीं रमेश प्रभु ने कहा कि मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग सोसाइटी एक बड़ी संस्था है, इसमें तकरीबन 20,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां शामिल हैं। देखिए, मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन एक बड़ा संस्था है, जहाँ लगभग 20,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कार्यक्षेत्र है। तो इसमें अभिषेक घोसालजी को और मुझे कमिटी मेंबर बना के, उसके बाद जो हमें अभिषेक घोसालजी को चेयरमैन और मुझे एज ए सेक्रेटरी जो घोषित किया, या इलेक्शन में हमें सका जो मंडल ने हमें चुन के दिया है, तो उनको हम धन्यवाद देना चाहते। और इसके साथ हम ये आगे जाके यही हम सोचेंगे कि ये पूरा कमिटी जो है हाउसिंग सोसाइटी का भला के लिए काम करेंगे, जैसा कि इलेक्शन हो, क्योंकि अभी 250 का नीचे का मेंबर का कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन जो है वो सोसाइटी खुद ले सकते हैं, उसको शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना ये बंधनकारक है, तो हम वो करेंगे। उसके बाद जो हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग, बहुत सारे लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं, उनको रिकवरी करना भी हाउसिंग सोसाइटी को तकलीफ होता है, तो उसके बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद नया बायलॉज अभी आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कमिटी स्थापन हुआ है, उसमें हम लोग भी हैं, तो नया कमिटी में हम नया बायलॉज में दुरुस्ती करेंगे। और उसी तरह से जो रीडेवलपमेंट रुका हुआ है, या आने वाले सोसाइटी को रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, या जो हाउसिंग सोसाइटी को ओसी नहीं है, उसका ओसी दिलाने का पूरा प्रयास इस तरह से हम करने वाले हैं। और आने वाला दिनों में आप कुछ अच्छा जो कामकाज मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन में आप देखेंगे। याची कार्यकारिणीची मीटिंग आज संपन्न झाली आणि आज मी सर्व संचालक मंडळाचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की त्यांनी माझी अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी निवड केलेली आहे आणि तसेच माझे सहकारी व आमचे मार्गदर्शक सी ए रमेश प्रभू यांची सचिव सेक्रेटरीपदी त्यांची नियुक्ती केली। मी पुन्हा एकदा सर्व संचालक मंडळाचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आज हे जे उपनगर जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन आहे, हे प्रथमतः तर शिक्षण प्रशिक्षण देणारी ही संस्था आहे। जेवढे पण गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत उपनगरातील, त्यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये ही उपनगर फेडरेशन काम करणार आहे। आज गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे प्रश्न हे खूप जटिल होत चाललेले आहे। आज वेगवेगळ्या मुद्दे, जसं डीम कन्व्हेन्स एक ओसी आहे, त्याच्यानंतर उपविधीमध्ये असलेल्या काही दुरुस्त्या आहेत, त्याच्यामध्ये काही जाचक अटी आणि शर्ती आणि नियम आज त्या ठिकाणी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना लागू केलेले आहे। या सर्व प्रश्न आज शासन दरबारी घेऊन त्या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम येणाऱ्या काळात या